फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। आई सचिन कुमार ग्रेट सी यू इन आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अचीवर्स आईसीएस एकेडमी बिलासपुर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप काफी स्वस्थ होंगे और कोरोना वायरस से काफी दूर होंगे, साथ ही साथ लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप मुझे इस गेटअप पे देख के थोड़े सा सरप्राइज हुए होंगे कि आज मैं इस गेटअप पे क्यों हूँ। तो दोस्तों, उस गेटअप में होने का कारण है ये आज का टॉपिक। आज मैं आपको इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल शो करने वाला हूँ कि एक्चुअल में चीजें कैसे काम करती हैं। इसके साथ ही दोस्तों, थोड़े से कंफ्यूज इसलिए भी हो रहे होंगे कि हमारा जो ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है किसके लिए, पीएससी, यूपीएससी, सीजी व्यापम और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, लेकिन इसमें हम आज सैनिटाइजर की बात करने वाले हैं। तो इस पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि आखिर क्यों। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को अब ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अभी जो प्रैक्टिकल मैं आपको शो करने वाला हूँ थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, ये आपके सिलेबस सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा से संबंधित है और पूरी तरह से रिलेवेंट है। और मैं आपको ये भी इंश्योर करता हूँ कि जब ये हमारा प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि ये हमारा किस खंड से संबंधित एक टॉपिक है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको यह पता है कि आज विश्व के लगभग संपूर्ण देश कोरोना वायरस की चपेट में है, तो ऐसी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें कुछ सेफ्टी मेजर्स सुझाए हैं। उन सेफ्टी मेजर्स की बात करें तो WHO ने हमें सोशल डिस्टेंसिंग का एक मेजर दिया है और इसी सोशल डिस्टेंसिंग के वजह से ही आज हमारे भारत में कोरोना वायरस के फैलने की जो दर है वो अन्य विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। और यदि बात करें सोशल डिस्टेंसिंग हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ के बारे में, तो सोशल डिस्टेंसिंग के तहत लॉकडाउन के पालन में हमारे छत्तीसगढ़ का स्थान भारत के शीर्ष 10 राज्यों में आता है। अब यदि हम बात करें दूसरे सेफ्टी मेजर्स का, तो WHO रेकमेंड करता है कि आप हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करिए। तो दोस्तों, क्या आपको कभी एक क्यूरियोसिटी या ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई, ये हैंड सैनिटाइजर हमें कैसे कोरोना वायरस से या किसी प्रकार के इन्फेक्शन से बचा सकता है? यदि आपको कभी भी ऐसी क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा उत्पन्न आपके मन में हुआ है, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए #curiosityyesornow। और आई विल मेक श्योर कि आपका जो यह क्यूरियोसिटी या जो जिज्ञासा है, यह आज मैं अपने एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल से ये क्लियर कर पाऊं। तो अब हम हैं अपने फाइनल सेगमेंट में, जो कि हमारा एक्सपेरिमेंट का पार्ट है, और मैं आपको यहाँ पे ये प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि एक हैंड सैनिटाइजर कैसे काम करता है, कैसे ये बैक्टीरिया वायरस से हमें बचाता है। तो इससे पहले कि मैं यह प्रैक्टिकल स्टार्ट करूं, मैं आपसे चाहूंगा कि आप कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक सुने और समझ लें, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है हमारे प्रैक्टिकल को समझने के लिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि वायरस क्या है। तो दोस्तों, वायरस क्या है इस पर मैं ज़्यादा डिटेल ना जाते हुए केवल उन्हीं चीज़ों को आपसे डिस्कस कर रहा हूँ अभी, जो कि इस प्रैक्टिकल को समझने के लिए ज़रूरी है। तो जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, यह एक बैक्टीरिया या एक वायरस का स्ट्रक्चर है जिसपे इतने सारे नाम हैं, लेकिन दोस्तों इतने सारे नाम की ज़रूरत हमें नहीं है। हमें जिसकी ज़रूरत है वो है इसके आउटर मोस्ट लेयर, जिसका नाम है क्या, लिपिड बाई लेयर। तो ऐसे दोस्त जो मेरे साइंस के से रिलेटेड नहीं है, उनको मैं ये एकदम आसान भाषा में क्लियर कर दूं कि लिपिड बाई लेयर है क्या। तो जो लिपिड बाई लेयर है, इसका मतलब होता है लिपिड मीन्स फैट और फैट मतलब तेल। तो आप सीधे और सिंपल भाषा में समझिए कि लिपिड बाई लेयर किसकी बनी है, तो वो एक तेल के परत की बनी हुई है, ठीक है। अब हम दूसरी चीज़ जो हमें जानने लायक चीज़ है इस प्रैक्टिकल को समझने के लिए, वो ये है कि कोई भी एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स या एंटीवायरल ड्रग्स किसी भी बैक्टीरिया या वायरस के ऊपर कैसे काम करता है, उसके मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे मोड ऑफ एक्शन हैं, लेकिन मैं सिर्फ कुछ ही ऐसे मोड ऑफ एक्शन उस पर हल्का सा एक ब्रीफ देता हूं, सो दैट आप इस प्रैक्टिकल को समझने में आपको आसानी होगी। तो पहला एक मोड ऑफ एक्शन होता है किसी भी एंटीबैक्टीरियल या एंटीवायरल के काम करने का, वह है क्या कि वह किसी भी वायरस या बैक्टीरिया के सेल वॉल पे जाके क्या होगा, बाइंड हो जाता है। और मैंने आपको क्या बताया, कोई भी सेल वॉल किससे बनी हुई है, वह बनी हुई है लिपिड बाई लेयर से। तो वहां पे यह बाइंड होकर उस लिपिड बाई लेयर को क्या करने वाला है, डिस्ट्रक्ट करने वाला है, वहां पे इसको क्या खत्म करने वाला है, सो दैट किसी भी वायरस या बैक्टीरिया के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल्स है वो क्या हो जाते हैं, वहां पे कोएगुलेट हो जाते हैं, सो दैट वह वायरस या बैक्टीरिया वहां पे वो मर जाएगा। और इसके अलावा जो दूसरे तरीके हैं, वह है कि यह एंटीबैक्टीरियल या एंटीवायरल ड्रग्स किसी भी बैक्टीरिया या वायरस के कहाँ पे काम जाके बाइंड होगा, राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स में जाकर ये क्या करेगा, एमिनो एसिड के चैन इलोंगेशन को ये क्या कर देता है, बाइंड कर देगा, जिससे कि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया अपना ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाता है। अब मैंने इतना भारी शब्द बोल दिया, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन, तो दोस्तों इसके लिए बहुत ही आसान चीज़ है जो मैं बताऊंगा। सीधा सा बात है, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन अगर मैंने बोला है तो वो सीधी सीधी कॉपीज, दैट मीन्स वायरस या बैक्टीरियाज यहाँ पे अपनी कॉपीज प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, और कॉपीज जब प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो खत्म हो जाता है।
तो ये कुछ चीजें थी जो आपको जानना जरूरी था इस प्रैक्टिकल को समझने के लिए। तो दोस्तों चलिए हम अपने प्रैक्टिकल वाले सेशन पे चलते हैं, लेट्स गो टू आवर प्रैक्टिकल डेस्क। तो दोस्तों फाइनली हम अपने प्रैक्टिकल डेस्क पे आ गए हैं और आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि कैसे एक हैंड सैनिटाइजर काम करता है, जिससे हम कैसे कोरोना वायरस से बच सकते हैं और इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें कुछ आवश्यक सामग्री की आवश्यकता है, जिसमें ये आवश्यक सामग्री है थोड़ा सा पानी, एक कांच की ग्लास, थोड़ा सा तेल और सैनिटाइजर, उसके अलावा एक डिटर्जेंट जिसको हम अपमार्जक भी कहते हैं, इसकी आवश्यकता है। तो दोस्तों ये प्रैक्टिकल हम स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं कैसे हैंड सैनिटाइजर काम करता है। इसके लिए हम लेते हैं पहले एक कांच की ग्लास, इस पे हम थोड़ा डालेंगे पानी। चलिए मैंने इतना पानी डाल दिया है, अब मैं इस पे डालूंगा क्या, ये ऑयल। ये प्रैक्टिकल आप घर पे भी कर सकते हैं, ये जैसे ऑयल देख सकते हैं मैं इसमें डाल रहा हूँ, बस जितना आपको लगता है सफिशियंट उतना डालिएगा। ये देखिए मैंने इस पे तेल डाल दिया हुआ है, ये तेल मतलब इसको मैं लिपिड की तरह मानूंगा, इसको लिपिड समझिए आप, कौन सा लिपिड, जो मैंने आपको वायरस में बताया था, वायरस के जो आउटर मोस्ट लेयर्स किसकी बनी हुई थी, लिपिड बाई लेयर, जो क्या था फैट और फैट मतलब ऑयल, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं पानी और ऑयल दोनों का जो एक लेयर है वह सेपरेट है, एक दूसरे से अलग है। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, क्या मैं इस तेल और इस पानी को होमोजेनाइज कर सकता हूँ, क्या मैं इसको यूनिफॉर्म कर सकता हूँ, क्या मैं इस पानी और तेल को आपस में मिला सकता हूँ, आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताइए। जब तक हम कोशिश करते हैं इसको मिलाने की और देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों ये पानी और तेल का एक लेयर मैंने तैयार कर लिया जो कि सेपरेट है, अब मैं इस पे डालूंगा थोड़ा सा डिटर्जेंट जिसको हम अपमार्जक भी कहते हैं, ये मैंने डाल दिया डिटर्जेंट। अब इस डिटर्जेंट को डालने के बाद मैं इसको 5-10 या 15 सेकंड के लिए मैं इसको आपस में क्या करूंगा, मिलाने की कोशिश करता हूँ इस छोटे से स्टीयरर की मदद से, और मैं इसको मिला दिया मैंने। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं केवल 5-10 सेकंड का समय लगा है और ये देखिए इसमें तेल और पानी दोनों पूरी तरह से आपस में मिल चुके हैं, दोनों मिक्स हो चुके हैं। तो दोस्तों आप सरप्राइज हो रहे होंगे कि कैसे मैंने इस तेल और पानी को आपस में मिलाया है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक मैकेनिज्म बताता हूँ, जो कि मैंने आपको पहले ही इस लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि यह जो एक्सपेरिमेंट है या प्रैक्टिकल है आपके CGPSC मुख्य परीक्षा से संबंधित है, रिलेवेंट है। तो वो ऐसे रिलेवेंट है कि मैंने यहाँ पे डिटर्जेंट डालकर पानी और तेल के दोनों लेयर को आपस में मिलाया है, जो कि सामान्य तौर पे आपस में नहीं मिलते हैं, लेकिन इस डिटर्जेंट को डालने के बाद ये दोनों लेयर आपस में मिल गया, तो उसका क्या कारण है। तो दोस्तों अगर आप डिटर्जेंट या अपमार्जक के मॉलिक्यूल्स को देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि इसके हर एक मॉलिक्यूल्स में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है हेड पार्ट और एक दूसरा पार्ट होता है टेल पार्ट। जो अपमार्जक का हेड पार्ट है, डिटर्जेंट का हेड पार्ट है, वो होता है हाइड्रोफिलिक और उसका टेल पार्ट होता है लिपोफिलिक। तो चूंकि मेरे काफ़ी सारे मित्र हैं जो साइंस से बिलोंग नहीं करते, तो मैं इनके लिए लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, वो होता क्या है। तो दोस्तों जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, जो इसका हेड पार्ट होता है डिटर्जेंट का, तो हाइड्रोफिलिक कहने का मतलब होता है हाइड्रो दैट मीन्स वाटर दैट मीन्स पानी, और फिलिक मीन्स लवेबल या स्नेही। तो इस डिटर्जेंट का ऐसा पार्ट जो जल के प्रति आकर्षित होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक। और जब हम इसके टेल पार्ट की बात करते हैं जो कि होता है लिपोफिलिक, तो मैंने लेक्चर के स्टार्ट पे ही बताया था लिपिड इज फैट, और ऐसे मैंने यहाँ क्या बोला लिपोफिलिक, तो लिपो स्टैंड्स फॉर लिपिड, और लिपिड क्या है फैट है, और फैट क्या है तेल है। तो ये ऐसा पार्ट है जो किसके लिए लवेबल है, किसका स्नेही है, ये है आपके तेल का। तो इस प्रक्रिया में अभी हुआ क्या, जब मैंने तेल और पानी को आपस में मिलाया तो इसमें हुआ क्या, हुआ ये कि डिटर्जेंट का जो तेल पार्ट है जो कि क्या है लिपोफिलिक है, वह लिपोफिलिक पार्ट इस पानी और तेल के मिश्रण में जब गया है तो लिपोफिलिक पार्ट तेल से जाके क्रिया करता है और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो पानी से जाके क्रिया करता है। तो लिपोफिलिक पार्ट उस तेल से क्रिया करके उसको क्या करता है, डिस्ट्रक्ट करता है, उसको डिमोलिश करता है, उसको खत्म करता है, सो दैट ये आसानी हो जाती है पानी और तेल को आपस में मिलने से। तो देखिए इस प्रकार से मैंने सिर्फ डिटर्जेंट के प्रयोग से तेल और पानी को एक साथ मिक्स किया है। सिमिलर चीज आपका होने वाला है किसके साथ, हैंड सैनिटाइजर के साथ। अब हम यही प्रक्रिया हैंड सैनिटाइजर के साथ दोहराते हैं। इसके लिए हम फिर से लेते हैं एम्प्टी ग्लास, जिसमें मैं डालूंगा थोड़ा सा पानी, जैसा कि आप देख सकते हैं,
फिर से मैं इस पे एक तेल और पानी की लेयर बनाने के लिए इसके ऊपर मैंने ऊपर से डाला है थोड़ा सा तेल, जिससे कि पानी और तेल के दो सेपरेट लेयर बन जाएं। जैसा कि आप फिर से देख सकते हैं, मैंने ये दो लेयर पानी और तेल का तैयार कर लिया हुआ है। अब मैं इस पे डालने वाला हूँ हैंड सैनिटाइजर। अब देखते हैं कि या हैंड सैनिटाइजर हमारे अपमार्जा के डिटर्जेंट की भांति दोनों चीज़ों तेल और पानी को आपस में मिला पाता है या नहीं, होमोजेनाइज कर पाता है या नहीं। चलिए, मैंने इस पे हैंड सैनिटाइजर डाल दिया है। अब मैं इसे कुछ सेकंड्स के लिए आपस में मिलाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने हैंड सैनिटाइजर से इस दो लेयर को आपस में फिर से होमोजेनाइज किया है, आपस में मिलाया है। तो आप फिर से आश्चर्यचकित हो रहे होंगे ये कैसे हुआ। तो दोस्तों, हैंड सैनिटाइजर और डिटर्जेंट दोनों की क्रियाविधि सेम है। जैसा मैंने हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक पार्ट जो बताया, वो सेम चीज़ें हमारे हैंड सैनिटाइजर के साथ भी है। सैनिटाइजर एक अल्कोहल बेस्ड प्रिपरेशन होता है, जिसमें हम सामान्य तौर पे आइसोप्रोपिल अल्कोहल 60-70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम विद सम एडिटिव्स का उपयोग करते हैं। यदि हम बात करें एक सैनिटाइजर के मॉलिक्यूल की संरचना की, तो उसकी जो संरचना है वो एक डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल की संरचना के समान होती है, जिसमें डिटर्जेंट की ही मॉलिक्यूल की भांति वहाँ पे एक हेड पार्ट और एक टेल पार्ट होगा, हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक, जो कि पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अब सपोज हम ऐसे स्थान जहाँ पे बैक्टीरिया या वायरस इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ पे हम इस सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होगा ये कि ये जो मॉलिक्यूल है अपने सैनिटाइजर का, उसका टेल पार्ट उस वायरस या बैक्टीरिया के उस लिपिड बाइलेयर पे जाके ये बाइंड करता है, क्योंकि वह लिपोफिलिक है। तो वहाँ बाइंड करने के बाद उस लिपिड बाइलेयर को ब्रेक कर देता है, जिसके कारण जो जेनेटिक मटेरियल्स हैं वायरस या बैक्टीरिया के, वो एक्सपोज हो जाते हैं। एक्सपोज होने के कारण उसमें कोगुलेशन का प्रोसेस होता है, और इस कोगुलेशन के कारण वह जो बैक्टीरिया या वायरस है वहाँ पे डेथ करता है या वो किल हो जाता है। और इस प्रकार से एक हैंड सैनिटाइजर हमारी वायरस या बैक्टीरिया से सुरक्षा करता है, और यही कारण है कि WHO ने हमें बार बार हैंड सैनिटाइज करने का प्रिकॉशनरी मेजर सुझाए हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और आपको काफी एंटरटेनिंग लगा होगा। इफ सो देन प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। विल मीट यू सून विद आवर न्यू वीडियोस। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच।